उत्तर प्रदेश की राजधानी से खबर सामने आ रही जो हिंदू समाज पार्टी की है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। आपको बता दें कि पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश तिवारी के जन्मदिन पर पुष्पांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर हिंदू समाज पार्टी के नेता मौजूद रहे, वहीं कार्यकर्ताओं ने नम आंखों से उनको श्रद्धांजलि दी और उनकी विचारधारा पर चलने का भी संकल्प लिया। आपको बता दें कि वहीं आज से श्रद्धांजलि सभा में अध्यक्ष किरण कमलेश तिवारी ने बड़ा बयान भी दिया। ये नजर डालते हैं विक्रम कश्यप ब्यूरो चीफ की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। उत्तर प्रदेश की राजधानी के हिंदू समाज पार्टी के मुख्यालय पर आज इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व स्वर्गीय कमलेश तिवारी का जिस तरह से आज जन्म दिवस मनाया जा रहा है, पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष किरण कमलेश तिवारी द्वारा, जहाँ जानते हैं कि आज किस तरह से उनके जन्म दिवस पर किस तरह का प्रण हिंदू समाज पार्टी के लोग लेने वाले हैं, और जिस तरह से हाल ही में विवादित बयानों के लिए भी हिंदू समाज पार्टी के नेता चर्चित रहे हैं, जहाँ जानते हैं कि आज जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और हिंदू समाज पार्टी के जो नेता थे कमलेश तिवारी, जिनकी वजह से आज इस पार्टी का कहीं ना कहीं वर्चस्व है, और जिस तरह से उनकी निर्मम हत्या भी कर दी थी जिसके लिए काफ़ी संघर्षरत हिंदू समाज पार्टी रही। आइए जानते हैं कि आज किस प्रेस कॉन्फ्रेंस और इनके जन्म दिवस पर किस तरह से पुष्पांजलि सभा का आयोजन किया गया। कस्तूरी तिल कमललाट पटले ब्रजस्थले कौतुकं दासागरे मोक्तिगं करकरे वेरुंकरे कंकरं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितां कंठे च मुक्तावली गोपीष्टी परिवेष्टितो विजयते गोपाले चूड़ामणि ओम हरि इंद्रो वृद सर्वा स्वस्ति नो मुखा विष्णु वेदा स्वस्ति नौ आचारिकोरिष्टने स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पयाम पतिव्यं पयो निमातरः शुभं यावान् विश्वानि देव सवितुर दुरतानि परासि भयद भद्रन्न तन्नया यतो यथा समीहसे ततो नो अभ्ययं गुरु सन्नाघो जायं नाभ्यं शान्तिर्भवतु। गौरव भैया जरा माले में हाथ लगा लिया आप लोग, ऐसे माले में हाथ लगा लिया आप भी, इधर देखिएगा माले में हाथ लगा करके, हाँ बस ऐसे कर लिए, मोहित सामने देखना, देखते रहिए ऐसे। कमलेश तिवारी हम शर्मिंदा है, के बारे में पूरा बताएं कि आखिर आज पुष्पांजलि दी गई, किस तरह से इनको याद किया गया, कमलेश जी को किस तरह से नमन किया गया और उनके उद्देश्यों को किस तरह से आगे बढ़ाने का कार्य आप लोग करेंगे। आज कमलेश तिवारी का जन्म दिवस था और वैसे भी कमलेश जी को, तिवारी जी को कोई भी हिंदू अपने हृदय से कभी निकाल नहीं सकता और नहीं निकाल पाएगा। उनके दिलो दिमाग में तिवारी जी हमेशा रहे हैं और आज भी उनके दिलो दिमाग में है। लेकिन तिवारी जी का जन्म दिवस था इसलिए सभी हिंदू भाई जितने भी उनके दिलों में जिनके तिवारी जी थे वो सभी लोग उपस्थित हैं और आज पूरे प्रदेश में उनका जन्म दिवस मनाया जा रहा है। तो इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद, जितने लोग भी आए हैं उनके लिए हर हिंदू के दिल में जगह है। हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय अमर बल्लारी कमलेश तिवारी जी का आज जन्मदिन है। 16 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय कार्यालय पर मना रहे हैं, जिसमें समस्त राष्ट्रीय पदाधिकारी और जिले के और प्रदेश के सभी पदाधिकारियों ने मनाया है और अन्य जिलों में और प्रदेशों में भी तिवारी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। कमलेश तिवारी जी की जो विचारधारा थी हिंदू का साथ और हिंदू का विकास, उसी नीति को लेके हम सभी लोग हिंदू समाज पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उस सोच को आगे बढ़ा रहे हैं कि हिंदुओं का साथ हो, हिंदुओं का विकास हो, जिसके लिए सभी हिंदू भाई आए हुए हैं, इसके लिए धन्यवाद। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। तरह से याद करते हैं कमलेश जी को, ऐसा है कमलेश जी हम लोगों के दिलों में बसते हैं और जो भी हिंदूवादी है उसके दिलों में कमलेश जी बसते हैं।
कमलेश जी को कोई मारने वाला न पैदा हुआ है न पैदा होगा। कमलेश जी एक विचारधारा है और विचारधारा कभी मरा नहीं करती, पहली चीज। दूसरी चीज स्पष्ट बता दूं कि कमलेश जी के गले का नाप जिन लोगों ने लिया है उनके गले को काट करके, जब तक हम माँ काली जी को अर्पण नहीं कर देते तब तक हम लोगों को चैन नहीं है। आए हुए यहाँ पदाधिकारी गणों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उनके बलिदान को याद करते हुए सभी से निवेदन करूँगा कि सभी उनकी जो नीतियाँ हैं, सिद्धांत हैं, उनको अपनाते हुए जन जन तक पहुँचाने का कार्य करें।